तो आ गए हैं आज के वीडियो में, बात करेंगे यहाँ पर स्टूडियो मास्टर के एम्पलीफायर के बारे में, जो कि डीजे ए जितना भी मॉडल एम्पलीफायर है, डीजे ए 800, डीजे ए 1600, 2500, 3200, 4000, 5000 और 6000, तो सभी मॉडल्स जो कि टोटल मॉडल हो जाते हैं, 7 मॉडल्स का एम्पलीफायर स्टूडियो मास्टर का एम्पलीफायर है। सभी का प्राइस, स्पेसिफिकेशन, डिटेल्स, लोड कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी कम समय में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और ये जो प्राइस रहेगा ये अभी रिसेंटली प्राइस रहेगा 2022 का, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, प्राइस का भी आइडिया आपको लग जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम कितना लोड डालेंगे ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर पहले डीजे ए 800 एम्पलीफायर से। तो ये एम्पलीफायर आपको यहाँ पर 8 ओम्स के ऊपर 165 वाट पर चैनल एंड 4 ओम्स के ऊपर 250 वाट, एंड मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 2 ओम्स के ऊपर डीजे ए सीरीज का जितना भी एम्पलीफायर है, जो कि 6000 तक अभी न्यू मॉडल आया है जो कि डीजे ए 6000 है, तो यहाँ पर 2 ओम्स में कोई भी आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलता, मतलब कि 2 ओम्स के ऊपर एम्पलीफायर रिकमेंडेड नहीं है। आप इसको 8 ओम्स और 4 ओम्स के ऊपर सभी एम्पलीफायर्स को यूज़ कर पाएंगे, और यहाँ पर आपको 4 ओम्स के ऊपर 250 वाट का पर चैनल आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। ब्रिज मोड में आप 525 वाट का 8 ओम्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ब्रिज मोड 8 ओम्स के ऊपर, एंड डंपिंग 350 का मिल जाता है, नेट वेट 13 kg है और प्राइस इसका होने वाला है 21000 रुपए अप्रॉक्स बता रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट में, और सभी का प्राइस लगभग अप्रॉक्स रहेगा। यहां पर प्राइस जो है वो मैं एग्जैक्ट ही बता रहा हूं, लेकिन आप अप्रॉक्स समझिए क्योंकि टाइम के अनुसार प्राइस जो है वो कम ज्यादा होते रहता है। तो प्राइस 21000 रुपए है। और एम्पलीफायर में लोड के ऊपर बात करेंगे तो यहां पर 8 ओम्स के ऊपर अगर हम मान लेते हैं एक एक स्पीकर चलाते हैं तो हम यहां पर 150 वाट या फिर 200 वाट का स्पीकर यूज़ कर सकते हैं, एंड 4 ओम्स के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसमें यहाँ पर 150 वाट का 2 स्पीकर एक चैनल में यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से 4 स्पीकर हम लगा सकते हैं, या फिर आप इस वाले एम्पलीफायर को एचएफ के लिए भी यूज कर सकते हैं, 4 एचएफ के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि 120 या फिर 150 वाट का 4 एचएफ इसमें चला सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मॉडल के ऊपर जो कि रहेगा डीजे ए 1600। इसका यहाँ पर 8 ओम्स के ऊपर आउटपुट 350 वाट पर चैनल आउटपुट, 4 ओम्स के ऊपर 550 वाट का पर चैनल आउटपुट, और यहाँ पर ब्रिज मोड 8 ओम्स के ऊपर 1150 वाट का आउटपुट आपको मिल जाता है। डंपिंग 350, 15 किलो 500 ग्राम का एम्पलीफायर होने वाला है नेट वेट, और प्राइस इसका 28000 रुपये आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें लोड कितना डालेंगे। लोड इसमें सिंपली हम डालने वाले हैं 300 वाट का पर चैनल एक एक स्पीकर, या फिर 400 वाट का भी पर चैनल एक एक स्पीकर हम दे सकते हैं 8 ओम्स वाले स्पीकर, और अगर हम दो दो स्पीकर चलाना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर 300 वाट के कॉलम या फिर 350 वाट के कॉलम भी हम लगा सकते हैं, लेकिन आप 300 वाट के कॉलम लगाइए, काफ़ी अच्छा सही बजेगा। तो आप कुछ इस प्रकार से जो है स्पीकर यूज़ कर पाएंगे 300 वाट का 4 स्पीकर। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे मॉडल के ऊपर जो कि रहेगा डीजे ए 2500। इस एम्पलीफायर में 8 ओम्स के ऊपर 600 वाट और यहाँ पर चैनल आउटपुट मिलता है जो कि आरएमएस पावर रहेगा, सभी यहाँ पर एम्पलीफायर का आरएमएस पावर रहेगा, और यहाँ पर 4 ओम्स के ऊपर 900 वाट का पर चैनल आउटपुट, ब्रिज मोड 8 ओम्स के ऊपर 1800 वाट का आउटपुट आपको मिल जाता है। अगर आप ब्रिज मोड के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें बेस भी यूज़ कर पाएंगे, लेकिन एक बेस यूज़ कर सकते हैं, मतलब 8 ओम्स वाले स्पीकर आप एक स्पीकर यूज़ कर सकते हैं, और लोड के हिसाब से एम्पलीफायर के हिसाब से आप जो है स्पीकर मैच करके लोड दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डंपिंग भी इसमें 350 मिल जाता है, एम्पलीफायर का वेट 20 kg है और इसका प्राइस 36000 रुपये आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। लोड के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसमें 600 वाट का आरएमएस पावर में यहाँ पर हम एक एक मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं या फिर हम बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको चलाना हो 600 वाट का स्पीकर आप आरएमएस में यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वाट का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं हम बात करते हैं यहाँ पर डुअल टॉप के बारे में, तो यहाँ पर आप 400 वाट से लेकर के 500 वाट का डुअल टॉप आप इसमें चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर 400 वाट का आरएमएस पावर अगर आप स्टूडियो मास्टर का स्पीकर यूज़ करते हैं तो सेम वाटेज का स्पीकर सेम लोड में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 450 वाट का 4 स्पीकर आप इस वाले एम्पलीफायर में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं चौथे मॉडल के एम्पलीफायर के बारे में जो कि रहेगा डीजे ए 3200। एम्पलीफायर के आउटपुट के बारे में बात करते हैं, 8 ओम्स के ऊपर 700 वाट का पर चैनल आउटपुट,
4 ओम्स के ऊपर 1125 वाट का पर्सनल आउटपुट और 2 ओम्स के ऊपर कोई भी आउटपुट नहीं है, मतलब कि 2 ओम्स के ऊपर रिकमेंडेड एम्पलीफायर नहीं है। डीजे ए सीरीज में जितना भी मॉडल्स है, 7 मॉडल है जो कि 6000 तक है, किसी में 2 ओम्स नहीं काम करेगा, तो 2 ओम्स के ऊपर आप यूज ना करें तो बेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं इसका ब्रिज मोड 8 ओम्स के ऊपर आउटपुट। इसका आउटपुट आपका 2250 वाट का आउटपुट रहेगा, जो कि आप इसमें एक स्पीकर यूज कर सकते हैं, हैवी वाटेज का स्पीकर। डंपिंग 350 रहेगा और 27 केजी का आपका एम्पलीफायर होने वाला है नेट वेट। और प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 44,500 रुपये इसका प्राइस आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसका लोड। लोड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप RMS 700 या फिर AES 1000 वाट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप बेस यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आप लोड दे सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। और RMS पावर में यूज़ करते हैं तो 650 वाट का बेस स्पीकर आप 2 स्पीकर चला सकते हैं, AES में 1000 तक जा सकते हैं। 1125 वाट 4 ओम्स के ऊपर है तो 4 ओम्स के ऊपर आप इसमें जो है टॉप स्पीकर चला सकते हैं, जो कि आपका 500 वाट का 4 स्पीकर काफ़ी अच्छा बजेगा, क्योंकि आप इसमें HF भी यूज़ करते हैं तो लगभग 1100 वाट का एक टॉप आपका बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप लोड डाल करके, कुछ इस प्रकार से आप टॉप बना करके जो है लोड दे सकते हैं। यहाँ पर आप 600 वाट का भी डुअल टॉप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं पांचवें मॉडल एम्पलीफायर के बारे में। तो पांचवा मॉडल एम्पलीफायर रहेगा हमारा DJA 4000। इसका स्पेसिफिकेशन 8 ओम्स के ऊपर 900 वाट का पर चैनल आउटपुट, 4 ओम्स के ऊपर 1400 वाट का पर चैनल आउटपुट एंड यहां पर ब्रिज मोड 8 ओम्स के ऊपर 2800 वाट का आउटपुट आपको मिल जाता है। और यहां पर डंपिंग 350 मिल जाता है, नेट वेट 30 केजी है, प्राइस 54,500 रुपये। और यहां पर मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्राइस जो है वो टाइम के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है, कम तो नहीं लेकिन ज़्यादा ज़रूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं DJA 4000 में अब कितना हम लोड डालेंगे। तो सिंपली यहाँ पर 1000 वाट का 2 स्पीकर बेस स्पीकर हम चला सकते हैं, या फिर आप 15 इंच का 1200 वाट का भी स्पीकर, या फिर 1000 वाट का स्पीकर RMS पावर में आप इसमें चला सकते हैं, या फिर 15 इंच का 1200 वाट का RMS पावर भी स्पीकर आप इसमें चला सकते हैं। और वहीं हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे 2 बेस आप चलाना चाहते हैं एक चल में, 2 बेस दूसरे चल में, मतलब टोटल 4 स्पीकर बेस वाले स्पीकर चलाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसमें 650 वाट RMS पावर में आप 4 स्पीकर चला सकते हैं। अगर आप इसमें टॉप स्पीकर चलाना चाहते हैं तो सेम आप 650 वाट का 4 स्पीकर यूज़ कर सकते हैं, या फिर AES पावर में 1000 वाट AES पावर का स्पीकर आप इसमें 4 स्पीकर चला सकते हैं 15 इंच वाले। आप यहाँ पर 18 इंच में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा 15 इंच का, यहाँ पर 4 स्पीकर यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं छठवां मॉडल, जो कि छठवें मॉडल में रहेगा हमारा DJA 5000, जो कि 5000 वाट का एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन 8 ओम्स के ऊपर 1200 वाट का पर्सनल आउटपुट, 4 ओम्स के ऊपर 1900 वाट का पर्सनल आउटपुट और यहाँ पर ब्रिज मोड 8 ओम्स के ऊपर 3800 वाट का आउटपुट मिल जाता है, जो कि इतना वाट का स्पीकर आपके पास है तो आप चला सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर डंपिंग 350 मिल जाता है, नेट वेट 32 केजी है और एम्पलीफायर का प्राइस अप्रॉक्स 65,000 के आसपास में मार्केट में आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इसका लोड। लोड हम बात करेंगे तो 1200 वाट RMS पावर में हम 2 बेस स्पीकर चला सकते हैं, या फिर आप इसमें 1500 वाट AES पावर का 2 बेस स्पीकर चला सकते हैं, पर चैनल एक एक स्पीकर, 8 ओम्स वाले स्पीकर आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। अगर हम वहीं बात करते हैं 4 बेस के ऊपर 4 स्पीकर के ऊपर, तो यहाँ पर आप 1000 वाट RMS पावर में 4 स्पीकर चला सकते हैं, या फिर आप 1200 वाट AES पावर में 4 स्पीकर चला सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लास्ट मॉडल, जो कि सातवां मॉडल रहेगा और न्यू मॉडल है, जो कि DJA 6000 है। तो इस वाले एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन हम देख लेते हैं। इसका स्पेसिफिकेशन 8 ओम्स के ऊपर 1300 वाट का पर चैनल आउटपुट, 4 ओम्स के ऊपर 2000 वाट का पर चैनल आउटपुट एंड ब्रिज मोड 8 ओम्स के ऊपर 4000 वाट का आउटपुट आपको मिल जाता है, जो कि आप इतने वाट का स्पीकर आपके पास नहीं होगा 8 ओम्स के ऊपर। डंपिंग इसमें ज़्यादा मिल जाता है, 600 मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और नेट वेट आपको 33 केजी देखने को मिल जाता है। प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस आपको 68,000 के आसपास में ये एम्पलीफायर आपको
मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं डीजे 6000 का लोड कैलकुलेशन, इसमें हम कितने वाट का स्पीकर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आरएमएस पावर में 1300 वाट का आरएमएस पावर का स्पीकर हम इसमें चला सकते हैं, जो कि आहूजा में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उस प्रकार से आप दो स्पीकर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप 1700 वाट तक के स्पीकर, जितने भी स्पीकर आते हैं 4.5 इंच वॉइस कॉइल या फिर 5 इंच वॉइस कॉइल में, तो वो स्पीकर भी आप इसमें चला सकते हैं, जो कि 1500 वाट, 1600 वाट जो भी स्पीकर आते हैं मार्केट में वो आप चला सकते हैं। और 4.5 इंच का जो वॉइस कॉइल में स्पीकर्स है वो आप यहाँ पर 1800 वाट तक स्पीकर आप इसमें पर चैनल एक एक स्पीकर चला सकते हैं 4.5 इंच वॉइस कॉइल वाले। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर चार स्पीकर के बारे में। अगर आप इस वाले एम्पलीफायर में चार स्पीकर यूज़ करना चाहते हैं तो आप 1000 वाट का आरएमएस पावर या फिर 1200 वाट का आरएमएस पावर का स्पीकर आप चार स्पीकर चला सकते हैं, और एएस पावर के स्पीकर आप यहाँ पर जो है 4.5 इंच में भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर आपको कम लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1000 से 1200 वाट का स्पीकर जो है आरएमएस पावर तक यूज़ करें, या फिर अगर आप 4.5 इंच में जाना चाहते हैं तो आप 1500 वाट से ज़्यादा ना यूज़ करें, जो कि आपको काफ़ी अच्छा साउंड मिल सके। अब हम बात करते हैं, तो सारा चीज़ का प्राइस डिटेल्स मैंने आपको दे दिया है, जिसमें कि डीजे 800 से लेकर के डीजे 6000 तक यहाँ पर प्राइस, स्पेसिफिकेशन, लोड कैलकुलेशन सारा डिटेल्स मैंने आपको बताया इस वाले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।